Isn't that shy? That child is alone. A few moments later. So guys, good morning, welcome to my new vlog. और अभी बज रहे हैं सुबह के 8, मैं उठा हूँ थोड़ी देर पहले ही. तो अभी सुबह सुबह समोसे आ चुके हैं, समोसे खाएंगे और चाय पियेंगे. कल रात तो मैं आके थक गया था, वहीं मैंने ब्लॉग एंड कर दिया, सो गया था. मैं अपनी कंपनी से पराठा और चाय. सो गाइज, अब जा रहा हूँ मैं पहले सामान लेने. कॉलेज की फाइल लानी है मुझे, क्योंकि असाइनमेंट बनाना है. तो साइड में चलते हैं. आज दो लोग छूट जाएंगे, शाम में जाएंगे हम जालन में, वो दिखाएंगे लास्ट फ्लोर में. क्योंकि अभी आ जाए मुझे काम करना, 4-5 घंटे लगातार, क्योंकि वहाँ पे असाइनमेंट बनाना ना, तो बहुत टाइम लगेगा उसमें. अब चलते हैं. तो गाइस, फाइल और पेज ले लिए, बट 5 रुपये अभी रह गए. तो मैं 5 रुपये ले जाऊँगा बाद में. मेरे पास 50 थे, उन्होंने 40 वाले पेज मुझे पैरिस में दिए और 20 की फाइल दिए. तो 55 हो गए, मेरे पास 50 थे, मैंने 50 दे दिए और 5 देंगे आधे जाते. क्योंकि अब तो फाइल वाइल लेनी पड़ती है, असाइनमेंट वगैरह लिए कॉलेज में. तो और चलते हैं घर, ट्रैफिक हो रहा है सामने. गाइस, एक चीज़ और, मैं वहाँ से तो आ गया बट फाइल के पेज में छेद ही नहीं है, बिना छेद के है वो. तो वो छेद टाइम दोबारा जाना पड़ेगा, अब दोबारा जाते हैं. गाइस यार, बाहर देखो, बाहर तो बारिश हो गई है, कीचड़ भी होने स्टार्ट हो गए. ये जा रही है इनोवा और खींचे हम. एक हाथ से फोन इधर साइड, एक दोनों हाथ से साइड से रहते हैं पहले. सो गाइस, आ गए हैं अभी यहाँ पे, फिर टेन सर आज चलते हैं. तो पेज में चेक कर रहे थे. तो गाइस दोबारा वहाँ से होते आ गया. अब बारिश हो रही है यहाँ पे, मतलब तेज नहीं है पर नॉर्मल बारिश हो रही है. तो अब साइकिल का गियर जब तक चेंज और स्पीड बढ़ाते हैं एंड घर पहुँचते हैं, वरना क्योंकि मुझे वैसे सर्दी हुई पड़ी है बहुत ज़्यादा और हो जाएगी. अब चलते हैं जाते. A few moments later. So guys, अभी बन चुके हैं 8:25 बज चुके हैं और अभी मैं सुबह से काम कर रहा हूँ 11:30 बजे से. तो लैपटॉप यहाँ पर है, फाइल यहाँ पर बना रहा हूँ, इधर भी कॉपी है और बीच में हमें. तो अभी पूरा बना रहा हूँ और अभी तो सब अंदर इतना हल्ला मच रहा है, लड़ाई पड़ा, पता नहीं क्या कुछ बातचीत हो रही है सबके घर में. इधर थोड़ा तेज तेज बोलते हैं सब, कुछ वैसा लगता है लड़ाई से, ऊपर लड़ाई नहीं होती है इसमें. तो अभी मैं बस चाय पी रहा हूँ, यहाँ पे चाय रखी है यहाँ से. थोड़ा सा सोचा आराम कर लूँगा, अच्छा 2 मिनट. मैंने सोचा क्योंकि भाई 4 बजे तक तो मुझे फिनिश करना है पूरा, कैसे भेज, उसके बाद अपने शाम में मोल स्टार्टेंगे, जाए रहने शायद जाएंगे क्योंकि बारिश पड़ रही है भाई. तो उसको लगता है चाय ना जाए और देखते क्या करते हैं, मजे रहेंगे, है ना. A few moments later. सो गाइस, फाइनली अब ख़त्म हो गया मेरा काम और अब टाइम देख सकते हो आप, 3 बजने वाले हैं, 11:30 बजे लगा पड़ा. तो अच्छा ख़त्म हो गया, अब संडे में जाना मोड़ सक पाऊँगा, आज शाम में घूम पाऊँगा और देखो क्या फजारा फैला पड़ा है. अब देखते हैं अंदर क्या चल रहा है भाई. अंदर तो सब सो रहे हैं, नींद ले रहे हैं बहुत जोर वाली और बारिश पड़नी शुरू हो गई है. बाहर देखते हैं मौसम कैसा हो रहा है. तो बाहर बारिश हो रही है यार काफ़ी, मौसम भी ठीक है, मतलब बारिश हो रही थी यार बेकार सही है. क्योंकि आ गया था पानी भरने वाला, अगर बहुत ज़्यादा पानी इतना भर जाता है जब वहीं निकलना दुश्वार हो जाता है, लिफ्ट लेनी पड़ती है लोगों से, गाड़ी वाले से, टेम्पो वाले से. बोले काफ़ी है तो इसमें चाय, मैं तो इसमें मान रहा सही तो है, इसमें रहा जाए थोड़ी और किसमें कौन सी चाय गई थी तुम्हें? ये भी लेगा. अच्छा दोनों लेनी है, तो ये भी और ये बहुत है. अच्छा मैं ले लूँ, और ले लेकिन उठिए ना, थोड़े थोड़े कब उठे तब कब उठ गया रात में तो बताइए, मैं ना खाऊंगा ना. तो आपके साथ थोड़े में चाहिए, मैं एकदम बन जा रहा उठाया नहीं जा रहा. चाय आवाज़ निकल ले यार, कहाँ की वीडियो है, जब तुम आ गए चल ले तो वीडियो मस्त बनने लगा है ना, पुरानी पुरानी वीडियो है इतनी अभी. तो यार ईयरफोन बाहर पड़ रही बारिश, पता ना ईयरफोन से आवाज़ सही आ रही हो ना, थोड़ा पीछे हो जाइए. अरे है जल जाऊ, अच्छे रही है थोड़ा पीछे हो गया.
तो ये पुरानी वीडियो से जो जगह है, मैं अभी काम कर जा रहा हूँ, अब पानी गया गर्म गर्म पास खाऊंगा, क्योंकि सर्दी हो गई सुन रहे सर्दी कर दे। अरे अरे उड़ जाएंगे यार वो सुन रहे कोई ड्राइवर सोए नहीं है। 8 मिनट के अंदर चाय ठंडी भी हो गई इतने ज़्यादा ऐसे वाकई ठंडी हो जाएगा ऐसा क्यों पता नहीं मिट्टी ठंडी है इस वजह से पी जाए पर हमारे पास और चाय हम और पी दावत पर दावत करना मुश्किल जाना है क्योंकि भाई बारिश हो रही है इतनी ज़्यादा तो दावत पर जाना मुश्किल जा रहा है मुझे। मम्मी ने थोड़ी चाय और दी थी मुझे तो डाल लेते हैं इसके अंदर ही ये गिर ना जाए बस गिर गए जरूर पर 5 ये चाय जा रहा है भाई ये जा रहा है भाई अब ये भी जा रहा है मुझे हम पीएंगे मस्त आ रहा है स्वाद चाय का। सो गाइस अभी जो सीन ऐसा है अभी टाइम देख सकते हो आप 8 बजने वाले हैं और मैं नहीं गया पर बाहर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा आज पूरे व्लॉग में मैं ही दिखा आपको सुबह से लेकर एंड तक और अब पता नहीं मम्मी पापा पता नहीं वो आएंगे या नहीं आएंगे अगर रात को नहीं आते हैं मैं फिर मैं किसी को तो अपने दोस्त से बुला लूँगा मेरे यहाँ पर सोने के लिए क्योंकि अकेले तो नींद आने मुझे नहीं है मुझे और लाइट भी नहीं आ रही जब से यार बारिश पड़ रही है बहुत ज़्यादा पानी भर चुका है बाहर बाढ़ आ चुकी है आंधी तूफान सब आया एक साथ कभी वेट कर सकते हैं क्या करें बारिश का मौसम इतना ज़्यादा हुआ और मैंने तो रोटी खा ली यहीं पर अब क्या करें वेट कर सकते हैं और क्या करें जाइए यार बारिश बंद होने नाम है यही एंड सॉरी उसके लिए वो ईयरफोन की वजह से आवाज़ ऐसी अजीब सी आ रही थी तो अभी बहुत देर हुई है भाई 10 बज चुके हैं तो खाना खा लेते दोबारा से मतलब पहले मैंने खा लिया था 6 बजे के आसपास अभी दोबारा खा लेता हूँ तो तवे हुए ना पहले सब्ज़ी गर्म करूँगा फिर रोटी गर्म करूँगा फिर खाऊँगा क्योंकि कटोरी वरना जल जाती है ऐसे इस बार अभी थोड़ी देर से छू छू चल रही है मतलब तेज तेज ऐसा रही बहुत तेज बट ये थोड़ी सब्जी गर्म हो जाएगी क्योंकि मुझे सर्दी हो रही है बहुत दिनों से बात रिलेटिव बात ये मेरी नाक पिंपल है ना इसके लिए मुझे इसमें दवाई बताई तो मैं दवाई को यूज़ कर रहा हूँ जब से वो दवाई लेना स्टार्ट किया है वो दवाई ले आनी होती है रात में तो जब से वो स्टार्ट किया है ना तभी से वो जुकाम हो गया और जा ही नहीं रहा चलिए मैं 7-8 दिन हो गए जुकाम इतना ज़ोर से रखा है बहुत तेज मतलब भाई क्या रहा हूँ बस हालत नाक की ख़राब ही है तो इसलिए गर्म पानी खाना पड़ रहा है मुझे गर्म पानी खाया आज जो अब गर्म कर रहा हूँ उसको मतलब ठंडी ठंडी खाऊँ बीमार हो जाऊँगा कुछ फायदा नहीं है और वैसे भी भूख सारी खाली पेट होना नहीं चाहिए तो आई थिंक सब्जी गर्म हो चुकी है चलो भाई सब्जी तो हो गई रोटी भी गर्म कर लेते हैं वैसे मेरे थोड़ा बहुत चीज़ें आती हैं मम्मी घर पर नहीं होता जल्दी परेशान हो जाता हूँ चीज़ों से तो मतलब वहाँ पानी भर रहा होगा इतना शोर से रहा मेरा सिर हिल जाता मतलब जो इसलिए लास्ट टाइम जब भी हरिद्वार जब जा रहे थे मेरे मोहल्ले के बच्चे तो मैं इसलिए हरिद्वार भी नहीं रहा तो अभी आज चलते हैं भूख रह रही है बहुत ज़ोर से रोटी भी रेडी है सब्ज़ी भी रेडी है चल के खाते हैं गाइस यार अब तक कोई आया ही नहीं तो ऑलरेडी में कम्प्लीट हो चुकी है लैपटॉप पे एंड टाइम देख सकते हो आप टाइम क्या हो रहा है देखिए 10:30 बज चुके हैं तो अब सोते हैं भाई और क्या पापा दाने चाहे जब आएंगे उठ जाऊँगा तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 7:30 बजे जितना ही टाटा बाय बाय।